अब नहीं किया नीमा को कॉल, आप करिए ना थोड़ा, रजिस्टर भूल गया मैं। ये क्या बोल, तो जितना थ्योरी भाषण देना था जी दे ही दिया मैं थ्योरी पे, ठीक है। एक हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं C++ का, ठीक है। तो मैं शुरू से लिखता हूँ, ठीक है। हैज इन, मेरे को तो क्लियर ही आ रहा है जी। हाँ सर, अभी ठीक है, ठीक है। नहीं मैं फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। जो है आपका एक सिंपल प्रोग्राम C++ का, ठीक है। ये यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया हमने, ठीक है। हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसको हटा दूंगा तो आई के लिए रिटर्न तो मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो है क्या होगा जी, STD, ठीक है। ये देखिए चलेगा ये, ठीक है। मेन मेथड आप लिखेंगे, फिर STD, इसको बोलते हैं इसको प्रजुलेशन ऑपरेटर, ठीक है। और ये सी आउट लिखेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद दो ठो लेस देन, उसके बाद आप डुअल कोट में जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे मैं क्या करूंगा ना, एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा रुकिए, इसको डिलीट मारिए, ठीक है। यहां पे कर देता हूं 10+10। आपको क्या लगता है जी, क्या आउटपुट 10 लिखना चाहिए, तुम्हें क्या लिख दिया, आउटपुट क्या लगता है, आउटपुट क्या आना चाहिए, कितना? अच्छा 10-10-20 से होता है ना, मेरे को पता नहीं था यार, बढ़िया कि ये बता दिए। और जोड़ू पक्का, और जोड़ दूं सर, मतलब कुछ भी मजाक कर, ठीक है जी। तो कम जोड़ू तब बताओगे, जोड़िए अभी कंप्यूटर बताएगा, कंप्यूटर कहाँ से, इसका आउटपुट जरा बताओ कितना होगा। अरे 5, 4, 9 और 2, 2, 1 और 1, 2, तो कितना हुआ, 98 हो गया यार, मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो 92 ही पढ़ा था आज तक। 92 बताए थे, मेरे को तो पता ही नहीं चला। तो इस तरह से जो है आपका चलेगा। तो इसमें अब हम यूजर से इनपुट लेकर के कैसे कर लेंगे जी, तो मान लीजिए INT, ठीक है, A, B, ठीक है, एंटर STD, इसको प्रजुलेशन ऑपरेटर सी आउट, ठीक है। और फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, बोल दूंगा इंटर 2NUMBER, ठीक है। कहां मैं आके लिख रहा हूं, ओ नंबर लॉक मेरा चालू नहीं था जी, ठीक है। इंटर 2 नंबर दिया मैंने सेमीकॉलन, ठीक है। और यहां पे मैं कैसे करूंगा जी, ये तो है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इनपुट लेना है तो क्या होगा, दो ठो लेस देन, ठीक है। ये लिखेंगे आप सी इन, तो मैं लिखना भूल गया, सी आउट होगा आउटपुट देने के लिए, सी इन होगा इनपुट लेने के लिए, ठीक है। यहां पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ ए लिख दूंगा, ठीक, ए इनपुट ले लेगा, ठीक है। और मैं नीचे आके क्या करूंगा, STD, इसको प्रजुलेशन ऑपरेटर और सी आउट, और सीधा मैं क्या करूंगा, ए को शो करा दूंगा, देखना आप अभी क्या होगा। टेन लिखा, एंटर मारा, 10 प्रिंट हो गया ना, तो इससे जो है इनपुट ले लिया, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स को इनपुट लेना है तो हम ऐसे करके ऐसे ले लेंगे जी, ठीक है। दो वेरिएबल्स को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे दिखा देंगे, ठीक। यहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगेगा, ठीक है, ऐसे आ गया। एक बार एंटर मारा, दूसरा बार एंटर मारा, आ गया 10 और 20। अब बीच में मेरे को थोड़ा छोटा सा स्पेस चाहिए ना, तो फिर ऐसे करूंगा और डबल कोट यहां पे ऐसे दूंगा, ऐसे, ठीक, इस तरह से, या ठीक है। नेक्स्ट लाइन ब्रेक करने के लिए भी मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए रन किया कंपाइलर हमारा, 10
20 आ गया 10 20। ठीक है, यहां से मेरे को नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट चाहिए ना, तो यहां पे क्या करेंगे, ये साइन देंगे, ठीक है, और फिर यहां पे क्या करेंगे, ई एन डी एल, अगर मैं याद है अगर मेरे को, तो ई एन डी एल का साइन देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे ब्रेक हो जाएगा, अगर मेरे को सही याद है तो। ई एन डी एल डिक्लेयर ई एन डी एल वाज नॉट डिक्लेयर स्कोप्ड, शायद मेरे को याद नहीं है, फिर ये गलत याद है शायद फिर मेरे को, ठीक है, लेकिन होता तो जी ऐसे ही था, ई एन डी एल ही लिखा जाता था, ठीक है, खैर छोड़िए ये नहीं काम कर रहा है अभी, तो देखेंगे हम बाद में। स्लैश एन अगर देंगे तो क्या होगा जी, करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा जी, 20 20 कर दिया, 20 20 आ गया। अब जोड़ना है तो कैसे करेंगे जी, हम यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे ना यहीं पे, ठीक है, और फिर यहाँ से हम कंपाइल और रन कर देंगे जी, तो प्लस करके आएगा आउटपुट, ठीक है, 30 आ गया, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ जी, यहाँ पे पहले ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन आए कि सम इज, तो सम लिख देंगे, फिर इज लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब मैं इसको कंपाइल रन करूंगा तो क्या होगा, 10 30 आ गया सम इज। अब यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ ना, तब स्पेस के साथ आएगा, तो सी प्लस प्लस में जो है ऐसा ही होगा, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप यूजर से इनपुट लेंगे, आउटपुट देंगे। बी सी में क्या होता था, फॉर्मेट स्पेसिफायर देते थे, परसेंट डी लगाते थे, यहां कुछ नहीं लगाना है, ठीक है, यहां पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देना है और ये देना है जी। दो ठो इनपुट चाहिए था तो मैंने दो बार दिया, तीन ठो चाहिए तो चार, तीन बार देंगे, चार चाहिए तो चार बार देंगे, आउटपुट में भी हम ऐसे ही दे देंगे, ठीक है। तो कुछ पूछना है किसी को क्या, नहीं उठाऊंगा, कुछ पूछना है तो पूछ लो जी, आप कुछ पूछोगे, नहीं पूछोगे, कुछ पूछना है इसमें, इसमें क्या होगा जी, इफ एल्स वैसे ही चलेगा, इफ लिखूंगा, ठीक है, ए इक्वल टू 10 तो क्या प्रिंट कर दो जी, COUT, ठीक है, GREA, डबल कोट GREAT, ग्रेट, ठीक। अब इसको मैं कंपाइल रन करूंगा, ठीक है, पहला इनपुट A में लिया हूं ना मैं, अच्छा STD तो लगाना पड़ेगा, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का वो क्लास है, आ गया, 10 डाला ए में गया, 20 डाला तो इसमें आया, 30 आ गया और ग्रेट आ गया। स्पेस यहाँ पे जो है नेक्स्ट लाइन पे ब्रेक नहीं करा था इसलिए जो है आ गया, ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा सारा काम, वैसे ही लगभग होगा, ठीक है। कुछ पूछना है जी किसी को, फोटो वगैरह इसका खींचना चाहते हो तो आप लोग खींच लो, ठीक है, लिखोगे कोई, लिखना है, नहीं लिखोगे फोटो खींच लो। तो आप लोग ना सी का जितने प्रोग्राम मैंने आपको दिए हैं, टास्क वास्क जो भी है, ठीक है, उन सबको सी प्लस प्लस में बनाओ, दिक्कत आएगा ना तो मेरे से आप पूछना, ठीक। और ध्यान रहे सी का प्रोग्राम सेव होता है .c एक्सटेंशन से, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम सेव होता है CPP एक्सटेंशन से, ठीक है। बाकी इतिहास भूगोल तो आपको मैं बता ही दिया हूं इसका क्या है, ठीक ठीक है। तो चलिए जी मैं इसको रोकता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस।